ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं एल्विश यादव वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। मैंने आपको अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि मुनावर फारूकी ने एक दिन पहले ही अनाउंस किया था कि वो नेक्स्ट डे लाइव आने वाले हैं, जिसके बाद उनकी पीक वॉचिंग गई थी 340K+। जब एल्विश यादव बिग बॉस OTT2 जीत कर पहली बार अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, उनकी वॉचिंग अप्रोक्स 595K+ गई थी। जब मुनावर फारूकी की साइड से यह अनाउंसमेंट आया कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिग बॉस के बाद जब वो लाइव आएंगे, तो मुनावर फारूकी के मैनेजर बताए जाते हैं सदाकत खान हैं, उन्होंने एल्विश यादव को पहले पोक करते हुए ये वाली स्टोरी शेयर की थी, जहाँ पर लिखा हुआ है, काला कल रेडी रहना भाई, अपना लाइव आ रहा है, रिकॉर्ड बनाना है सबको, मुनावर भाई फुल सपोर्ट रहेगा, कल सिस्टम का भी सिस्टम हैंग कर देंगे कल। इसी के बाद जब मुनावर फारूकी ने लाइव किया था, उसके बाद ही एल्विश यादव ने सदाकत खान को ट्रोल किया था उनके इसी स्टोरी के बाद। एल्विश यादव ने ही नहीं, उनके फ्रेंड लक्ष्य ने भी इसी पर अपना रिप्लाई किया था। क्या इस पूरी सिचुएशन पर आप क्या सोचते हो, मुझे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो UK07 राइडर ने ओपन चैलेंज किया एल्विश यादव को ड्रैग रेस के लिए। लास्ट टाइम जब एल्विश यादव एंड UK07 राइडर के बीच ड्रैग रेस हुई थी, UK07 राइडर जीत गए थे। इस टाइम फिर से उन्होंने एल्विश यादव को चैलेंज किया है ड्रैग रेस के लिए। आप उनके रिसेंट ब्लॉग से ये छोटा सा क्लिप देखो। पहले गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसे ही अपडेट्स के लिए। ड्रैग रेस के लिए ऑन, ड्रैग रेस के लिए आ जाओ। चलो ठीक है एल्विश भाई, कल मिलते हैं ड्रैग रेस। लैम्बो लेकर के आते हैं मालिक। आप कौन सी लेकर के आ रहे हो? तेज भक्ति है क्या वो? अरे मेरी तो मर्सिडीज है भाई। मर्सिडीज हरा देगी लैम्बो को यार इस बार ये। नेक्स्ट अब बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने अपने रिसेंटली व्लॉग चैनल पर ये बताया कि अगर किसी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर का चैनल हैक हो जाता है, वो उनकी हेल्प करेंगे एंड वो उन्हें DM करेंगे। उन्होंने वहाँ पर ये बताया कि किसी भी क्रिएटर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, वो चैनल पर शुरू से मेहनत करते हैं, अगर चैनल हैक हो जाता है तो कैसा लगता है। अब देखिए उन्होंने व्लॉग में क्या कहा है। ये मतलब चैनल हैक होना, जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि हाँ यार कितना मतलब चैनल हैक हो गया, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं चैनल हैक हो गया, पर जो क्रिएटर है ना, जिसने इतने सालों मेहनत करी है उस चीज को बिल्ड करने के लिए, देखो चैनल्स जो होते हैं ना वो एक बेबी की तरह होते हैं, तुमने उसको पाल पोस के बड़ा किया होता है, उस पर इतनी मेहनत करी होती है, वो एकदम से उड़ जाए ना, चाहे हमें पता है कि वो आ जाएगा और हर क्रिएटर को पता है कि वो चैनल आ जाएगा, बट मतलब वो दर्द जो होता है ना वो बहुत ज्यादा तुम समझ नहीं सकते। बट अगर किसी का ऐसा इंस्टा हैक होता है और अगर नहीं आ पाता तो गाइस यू ऑलवेज हैव मी, DM मी एंड मतलब कॉन्टैक्ट करो, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूंगा। क्योंकि आज जब मैंने ऐसे प्रेरणा दीदी की हालत देखी तो मैंने कहा कि तब मेरे को रियलाइज होगा कितने सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनके हैक होते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर इस सबको लेकर आपका क्या है ओपिनियन, मुझे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। इन वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।